बुलंदशहर शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में मनचलों की हरकत से तंग आकर बीए की होनहार छात्रा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, छात्रा ने कोचिंग भी जाना बंद कर दिया। पीड़ित छात्रा ने सीधे तौर पर थाना पुलिस पर मनचलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि एसपी सिटी ने छात्रा की आपबीती सुनकर संबंधित थाना अध्यक्ष को कार्रवाई को पहले तो हटकाया गया, बाद में कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया। अब देखना यह है कि छात्रा को पुलिस कब तक न्याय दिलाती है। भले ही सूबे की योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सियासी मंचों पर ढोल बजा रही हो, लेकिन बुलंदशहर में पुलिसिंग के दावों का सच उल्टा है। यहां बीए की होनहार छात्रा सिर्फ इस वजह से कॉलेज और कोचिंग जाना छोड़ देती है क्योंकि मनचले उसे आते जाते परेशान करते हैं। पीड़ित छात्रा ने बकायदा पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला सही पाया और मनचलों के खिलाफ 19 अप्रैल को एफआईआर भी दर्ज कर ली, लेकिन बात जब मनचलों को गिरफ्तार करने की आई तो खाकी इत्मीनान से शांत बैठ गई। वहीं पुलिस के लुंचपुंच रवैये को देखकर मनचलों का हौसला बढ़ गया और फिर से छात्रा के साथ छेड़छाड़ पर उतर आए। छात्रा ने आबरू की खातिर कॉलेज और कोचिंग जाना बंद ही कर दिया। आज मनचलों से परेशान होकर छात्रा अपने पेरेंट्स के साथ एसपी सिटी से मिली और उनको अपनी आपबीती सुनाई। छात्रा की हालत देख एसपी ने संबंधित थाना अध्यक्ष को फोन मिलाकर हटकाया और छात्रा के साथ अनहोनी का हवाला देते हुए कार्रवाई के लिए आदेश दिया। बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस की जांच में छेड़छाड़ का मामला सही पाया गया था तो मनचलों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। शिकारपुर क्षेत्र में मनचलों की वजह से छात्रा ने कॉलेज और कोचिंग जाना बंद कर दिया है। इस मामले में मनचलों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। संबंधित थाना अध्यक्ष को शाम तक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रिंकी। क्या हुआ है, क्या समस्या आपका? सर मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं यूपी पुलिस की कोचिंग करने के लिए जहांगीराबाद जाती हूँ। तो सर गाँव के दो लड़के हैं, मनीष और राजीव। सर वो मुझे इतना परेशान कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। जैसे मैं जाती हूँ, मैं बाइक से जा रही थी 1 बजे, जैसे मैं अपनी कोचिंग से निकल ली थी, 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, दोनों जने पहुँच गए वहाँ पे, मेरी बाइक की चाबी निकाल ली और मेरी बुक्स निकाल ली सारी, मुझे पढ़ने के लिए रोक रहे हैं और सर मेरे साथ बदतमीजी की, उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। उसके बाद में ये कह रहे हैं, जैसे मेरी कोचिंग के बच्चे वहाँ पे थे, मैंने उनको आवाज़ लगाई। उसके बाद में सर जैसे मैं 100 नंबर पर फोन करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे फोन की डिस्प्ले तोड़ दी। उसके बाद में मेरे फोन की डिस्प्ले तोड़ के जैसे वो कोचिंग के बच्चे आए वहाँ पे तो वो वहाँ से भाग गए, कहने लगे कि अगर तू कोचिंग या यहाँ पे कॉलेज को गई तो तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद में 4 अप्रैल का मेरा पेपर था, 3 अप्रैल की वहाँ की जहांगीराबाद की बात थी, 4 अप्रैल का मेरा पेपर था शिकारपुर श्यामलाल डिग्री कॉलेज में, मैं पेपर देने जा रही थी। तो सर वहाँ पे फिर बाईपास चुंगी पे, शिकारपुर चुंगी पे वो मुझे मिल गए दोनों जने, फिर मेरी बाइक रोकवाने की कोशिश करी, मैं और मेरे भाई थे। सर हमने अपनी बाइक नहीं रोकी तो सर फिर वहाँ पे कहने लगे अगर तू यहाँ पे आई तो तुझे जान से मार देंगे। सर हमने एसपी के यहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, यहाँ एफआईआर करी। अब आप मिली हैं? हाँ जी सर। इससे पहले भी सर 1 महीने की बात हो गई है, इससे पहले भी मैं मिली थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं अभी तक वो गिरफ्तार हुए, अभी गांव में डोल रहे हैं सर। अभी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जो है छात्रा पेश हुई थी, इसमें अभियोग भी पंजीकृत है और अभी तक इसमें समय कार्रवाई नहीं हुई। उसका मैंने प्रभारी निरीक्षक शिकारपुर से बात किया और उनको निर्देशित किया है कि प्रत्येक दशा में आज शाम तक इनकी गिरफ्तारी करके प्रभावी कार्रवाई करें ताकि इस बालिका की पढ़ाई बाधित न होने पाए। तो निश्चित रूप से आज शाम तक इसमें विधिक कार्रवाई हो जाएगी।